सीआरपीएफ कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह को छोड़ने के लिए सरकार और नक्सलियों के बीच एक सीक्रेट डील हुई थी। इस डील का खुलासा तब हुआ जब राकेश्वर की रिहाई के लिए एक टीम मध्यस्थतों के साथ नक्सलियों के गढ़ में पहुंची। नक्सलियों ने सरकार से मांग रखी थी कि निष्पक्ष मध्यस्थतों को भेजें, हम जवान को छोड़ देंगे। जवान की रिहाई के लिए गए एक पत्रकार ने बताया, वहां 20 गांवों के लगभग 2000 लोगों की भीड़ थी। यह देखकर हम डर गए थे क्योंकि कुछ भी हो सकता था। बीजापुर जिला मुख्यालय से यह जगह करीब 80 से 85 किलोमीटर दूर है। यहां पहुंचने के बाद और करीब 15 किलोमीटर अंदर हम गए। ग्रामीणों की भीड़ के बीच करीब 2 से 3 घंटे के तनाव भरे माहौल के बाद कमांडो राकेश्वर को छोड़ा गया। शाम 5 से 6 बजे के करीब हम जवान को तर्रेम थाना लेकर आए, जिसके बाद उन्हें पुलिस और सीआरएफ के हवाले किया गया। बीजापुर के एसपी कमलोचन कश्यप ने बताया कि सुबह 5 बजे मध्यस्थतों की टीम बीजापुर से रवाना हुई। टीम में शामिल एक मध्यस्थ ने बताया, हमें जौनगुड़ा आने के लिए कहा गया था। भीषण गर्मी उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए दोपहर तक हम जौनगुड़ा पहुंचे। 5 दिनों से नक्सलियों के कब्जे में रहे कमांडो को जब छोड़ा जा रहा था, वहां करीब 40 नक्सली मौजूद थे। आसपास के 20 गांवों के लोगों को बुलाया गया। जब कमांडो की रिहाई हो रही थी तो बीजापुर और सुकमा के कुछ पत्रकार भी वहां मौजूद थे। बीजापुर जिले के जौनगुड़ा गांव से 15 किलोमीटर अंदर के इलाके में सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह को रखा गया था। गुरुवार दोपहर उन्हें प्रशासन की तरफ से तय मध्यस्थतों और एक टीम को सौंप दिया गया। सुरक्षा बलों ने कुंजाम सुक्का को मध्यस्थतों के साथ नक्सलियों के पास भेजा। इसका हैंडओवर मिलने के बाद ही नक्सलियों ने राकेश्वर सिंह को मध्यस्थतों के हवाले किया। बीजापुर मुठभेड़ स्थल से सुरक्षा बलों ने कुंजाम सिक्का नाम के एक आदिवासी को अपने कब्जे में लिया था। नक्सलियों ने राकेश्वर सिंह को छोड़ने के बदले इस आदिवासी की रिहाई की शर्त रखी थी। नक्सली वहां मौजूद गांव के लोगों, पत्रकारों और मध्यस्थों पर नजर बनाए हुए थे। मध्यस्थों के पहुंचने पर पहले जवान को नहीं लाया गया, उन्होंने पहले पूरे माहौल को भापा। थोड़ी देर बाद जंगल की तरफ से कुछ हलचल दिखी। करीब 30 से 40 हथियारबंद नक्सली कमांडो राकेश्वर को लेकर लोगों के बीच आए। को लाने के बाद कुछ नक्सलियों ने पूरे इलाके को घेर लिया। कुछ ने जवान तो कुछ ने मध्यस्थता करने वालों को घेरा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये नक्सली पामेड़ एरिया कमेटी के थे। इनके साथ एक महिला नक्सली भी थी जो पूरे नक्सलियों को लीड कर रही थी। आते ही नक्सलियों ने पत्रकारों से कह दिया था कि कोई भी कैमरा ऑन नहीं करेगा। जवान की सुरक्षा का मामला था, इसलिए पत्रकारों ने नक्सलियों की बात मानी। नक्सलियों ने वार्ता करने आई आदिवासी समाज की तेलन बोरिया और सुकमती हक्का को बुलाकर कुछ देर बातें की। नक्सलियों ने ग्रामीणों से कहा कि जौनगुड़ा में मुठभेड़ के बाद राकेश्वर उन्हें बेहोशी की हालत में मिले थे। 5 दिनों तक उन्हें सुरक्षित रखा गया। कुछ चोटें भी राकेश्वर को आई थी, उनका इलाज करवाया गया, अब उन्हें सुरक्षित छोड़ रहे हैं। नक्सलियों की महिला लीडर ने साफ साफ कहा, हम इन्हें पत्रकारों को सौंप रहे हैं ताकि यह इन्हें लेकर कैंप तक जाए। रास्ते में इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। काफ़ी देर तक सभी इंतज़ार करते रहे, फिर जवान को रिहा किया गया। जब जवान को छोड़ा जाने लगा तो आग्रह करने पर मीडिया को वीडियो बनाने की अनुमति दी। रिहाई के समय मौजूद लोगों ने बताया कि जवान को छोड़ने के वक्त शाम को करीब 4 बजे के आसपास पूरे ग्रामीण आक्रोशित हो गए थे। गांव के लोगों ने नक्सलियों से कहना शुरू कर दिया था कि जवान को छोड़कर वो गलती कर रहे हैं, इसे मत छोड़ो, मत रिहा करो। हंगामा बढ़ता इससे पहले ही जवान और मध्यस्थों के साथ पत्रकार बाइक में सवार होकर निकल गए। नक्सलियों और बहुत से ग्रामीण ने अब पत्रकारों और मध्यस्थों के सामने ये शर्त भी रख दी कि आने वाले दिनों में जब फोर्स के लोग आदिवासियों को हिरासत में लें तो उन्हें छुड़ाने के लिए भी इसी तरीके वार्ता और मध्यस्थता और पहल करनी होगी।